हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेट पर आपको ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसकी मदद से आप पिक्चर के बैकग्राउंड को तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब आप उस पिक्चर को सेव करेंगे तो वो पिक्चर एचडी क्वालिटी में सेव नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत जबरदस्त तरीके से पिक्चर के बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं और बाद में जब आप उस पिक्चर को सेव करेंगे तो वो पिक्चर एचडी क्वालिटी में ही सेव होगी। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको यही सब बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप दोस्तों के लिए लेकर आता रहता हूं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं। आप इस मेथड को अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गूगल सर्च बार है, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं टाइप कर लेता हूँ erase.bg। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है erase.bg। मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस वेबसाइट का कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है अपलोड इमेज। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है अपलोड इमेज, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्टेड फॉर्मेट। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है PNG, JPEG, JPG, वेब पिक्चर, मतलब इन सारे फॉर्मेट्स की आप पिक्चर के बैकग्राउंड को बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है अपलोड इमेज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बैकग्राउंड चेंज पिक्चर्स, ठीक है। मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दोनों पिक्चर का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड है बिल्कुल ग्रीन, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये मल्टी कलर है, ठीक है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन, मैं इस पर आ जाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग इमेज प्लीज वेट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बहुत जल्दी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड ओरिजिनल साइज, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं पिक्चर बहुत ही ईजिली यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स अब मैं सेकंड पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूं। ओके, यहां पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है अपलोड इमेज, मैं इस पर क्लिक करता हूं और इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है ओपन, मैं इस पर क्लिक करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग इमेज प्लीज वेट, ठीक है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड बहुत ही ईजिली रिमूव हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है डाउनलोड ओरिजिनल साइज, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं पिक्चर यहाँ से बहुत ही इजीली डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ओके, चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ slazer.com। फ्रेंड्स ये दूसरी वेबसाइट है, यहाँ से भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो मैंने पहली वेबसाइट बताई थी वो है slazer.bg। उसकी मदद से फ्रेंड्स आप बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस वेबसाइट का भी आपको रिव्यू दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड इमेज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड HD। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बाय करने का, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं पिक्चर बहुत ही इजीली यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ से जूम करूंगा तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके सामने रिजल्ट है। चले मैं अब आपको दोनों पिक्चर एक साथ दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ये अभी जो हमने पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किया है फ्रेंड्स, ये पिक्चर आप देख सकते हैं erase.bg की है, ठीक है। तो आपके सामने ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप दोस्तों के लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते अगली वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।